तो हेलो दोस्तों, जोहार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, अभी सुबह के बज गए हैं 8, तो सुबह का प्यार भरा आप सबों को गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, अभी सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है, तो मैं शॉल ढकाल रहती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है। और अभी सूरज तो निकल गया है, 8 बज गया है तो निकल ही गया है। और यहाँ पे हमारे आंगन में तो धूप होता है ही नहीं जल्दी, इसी वजह से ज़्यादा ठंड लगता है। तो दोस्तों, मैंने सुबह का जो भी काम वाम था सारा काम को करके ख़त्म कर दिया, और खाना वाना सब बना करके रेडी कर दिया। और अभी मुझे जाना है टोंगरी, और प्रियांशु और प्रियांशु के पापा गए हैं टोंगरी, क्योंकि हम लोग कल धान को झाड़े थे, मिसे थे, तो उसका पुआल जो था उसको निकालना था, तो ऐसे तो पुआल को निकाल ही दिए होंगे। और अभी क्या कर रहे हैं वो तो टोंगरी जाकर के ही पता चलेगा। तो चलिए, टोंगरी में मिलेंगे आप लोगों से, और आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और वीडियो मेरा को लास्ट तक देखिए, और वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा आप लोग को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे टोंगरी के ऊपर। क्या कर रहे हैं प्रियांशु सर? फाइनली दोस्तों, मैं आ गई हूँ टोंगरी। टोंगरी में ये सब काम चल रहा है, देखिए। और टोंगरी आते के साथ ही ठंड भाग जाता है, क्योंकि धूप होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए देखिए ये सब काम कर रहे हैं। पुआल सबको निकाल करके इसमें जो कुटी है उसको निकाल रहे हैं सभी लोग, जितने लोग भी दौरी लगाए थे झाड़ने के लिए, सबका झड़ गया, और पुआल को निकाल कर फेंक दिए हैं। तो मैं भी करती हूँ ये काम, इसका भूसी को उधरना है ऊपर ऊपर का, इस तरह से करना है। फाइनली दोस्तों, हम लोग इसमें जितना कुटी था उसको निकाल के ख़त्म कर दिए। अब जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी हवा नहीं है, जब तक हवा आता है तब तक हम लोग खाना खा करके आ जाएंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो भूख भी लग रहा है, तो खाना खा करके ही आते हैं। तो चलिए जाते हैं खाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग खाना वाना खा करके आ गए टोंगरी, सूप वगैरह सब ले करके, ये रहा। तो आप ओसाएंगे, देखिए उधर ओसा रहे हैं, तो उसी तरह हमको भी ओसाना है। अभी बहुत सारा है, ये भी है, इतना ज़्यादा हम लोग जमा किए हैं, फिर उधर भी है, इतना सारा को अभी ओसाना है मुझे। देख सकते हैं इधर है, इधर है, इधर है, और इतना सारा ओसाए हैं, इसके जैसे ओसाना है। तो हवा आ रहा है दोस्तों, हम फटाफट से ओसाते हैं, नहीं तो बाद में रुक जाएगा हवा, तो फिर दिक्कत होगा। तो चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं ओसाती हूँ धान को फटाफट से, मस्त हवा आ रहा है अभी। Thank you.
दोस्तों बहुत ज़्यादा धान ओसा लिए और ढो करके भी ख़त्म कर लिए, बस एक बोरा बचा है और इधर ओसाने के लिए भी बचा है, तो इसको कल देखना पड़ेगा क्योंकि शाम हो चुका है अभी और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा है, तो जाना पड़ेगा घर। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है तो अभी हम लोग जाएंगे घर, सर में ढो के लेना पड़ेगा बोरा को। तो चलिए मैं वीडियो को भी यहीं पे अंत करती हूँ। अगर वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल मेरा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।